नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए बेस्ट सेविंग स्कीम का सुझाव हमसे मांगा है, तो हम यहां पे आज ये वीडियो स्पेशल इसीलिए बना रहे हैं कि हम आपको सेविंग स्कीम्स और उनकी डिटेल्स के बारे में बता सकें जो इस समय करंटली रनिंग है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे PPF, सुकन्या, SCSS, NSC, FD, PMVVY, MIS और RD की। आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि इस समय यानी कि अप्रैल 2019 में कौन कौन सी स्कीम्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो PPF का इस समय चल रहा है 8%, सुकन्या समृद्धि अकाउंट का 8.50%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 8.70% है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी कि NSC का 8%, FD का बैंक टू बैंक वेरी करता है, टेन्योर टू टेन्योर वेरी करता है, इसलिए यहाँ इसका कुछ स्पेसिफाइड हम नहीं बता पाएंगे आपको। प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना PMVVY का 8% से लेकर 8.30% तक चल रहा है, डिपेंड्स ऑन कि आप उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है क्वार्टरली मंथली कैसे लेना चाहते हैं। मंथली इनकम स्कीम जो पोस्ट ऑफिस की है उसका 7.70% एंड रेकरिंग डिपॉजिट का 7.30% चल रहा है। दोस्तों, अब इन स्कीम में से आप चुनाव कैसे करेंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है, तो इसके लिए हमने जो काफ़ी सोच समझकर 5 चीज़ें ऐसी निकाली हैं जिनको पहले आपको तय करना होगा कि आपकी इन चीज़ों की प्रायोरिटी क्या है। पहल आप किस चीज़ को देना चाहते हैं उस पर आपके सेविंग स्कीम का चुनाव निर्भर करता है, तभी आपके लिए बेस्ट आउटपुट आकर निकलता है। सबसे पहले आपको देखना है कि आप इनपुट क्या दे सकते हैं, क्या देना चाहते हैं और आपके पास समय क्या है। इनपुट के मायने यहाँ ये रहेंगे कि सबसे पहले आप चुनाव कीजिए आपके पास टाइम क्या है। शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मीडियम टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 15-20 साल के लिए, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस स्कीम का चुनाव करेंगे। दूसरा इनपुट आता है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहते हैं, हर मंथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हाफ ईयरली करना चाहते हैं, या लंप सम एक बार में आप कोई बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। और तीसरा आपकी नेचर पर डिपेंड करता है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। रिस्क ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स की मार्केट की तरफ एंटर कर सकते हैं, और अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट, CDS, सुकन्या सभी ऑप्शन आपके लिए खुले रहेंगे। नंबर 4 और 5 पर आता है दोस्तों कि आप इन स्कीम्स में से आउटपुट कैसा चाहते हैं, किस तरीके का आउटपुट आपको मिलना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपकी रिक्वायरमेंट मंथली इनकम की है तो स्कीम का चुनाव उस तरह से होगा। लंप सम अमाउंट आपको अगर 10 साल बाद मिले ऐसी आपकी चाहत है तो आपका स्कीम का चुनाव उस तरह से होगा। अगर आप 30% इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं तो स्कीम्स का चुनाव अलग तरीके से किया जाएगा, और अगर आप 5% के स्लैब में आ रहे हैं तो स्कीम्स का चुनाव और होगा, और हाई रिटर्न की आपकी इच्छा रहती है तो स्कीम्स का चुनाव उस ढंग से होगा। इसमें और काउंट करेगा कि आपकी एज क्या है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुले मिल जाते हैं, आपको गर्ल चाइल्ड है तो आपको सुकन्या का ऑप्शन भी मिल जाता है। लेकिन हम आपको आज इन स्कीम्स में थोड़े थोड़े टिप्स देंगे जिससे आपके लिए कुछ 2019-20 में आसानी होगी अपने लिए बेस्ट सेविंग स्कीम का चुनाव करने में। नंबर 1 पर जो हम बात कर रहे हैं टाइम स्पेंड की, अगर आप बहुत थोड़े समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़े समय से हमारा भाव 7 दिन, केवल 7 दिन से लेकर के अगर आप 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, इसे हम शॉर्ट टर्म में काउंट करेंगे, 7 दिन के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको FD के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तकरीबन सभी बैंक 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन के FD भी कर देते हैं, और इसी तरह से आप इतने शॉर्ट टर्म के लिए FMP फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, हालांकि 1-2% कहीं उसमें वो रिस्क रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मार्केट है, वहाँ 1-2% रिस्क रहेगा, बट वो बहुत नॉमिनल रिस्क है के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी ऑप्शन अच्छा है, और लिक्विडिटी भी आपको इसमें पूरी मिलती है जब भी आप इसको चाहे प्री मैच्योर करवा सकते हैं। मीडियम अगर आपके पास टाइम है, मान लीजिए कि 5 साल के लगभग है, तो FD तो ऑप्शन है ही है, साथ ही साथ NSC और रेकरिंग डिपॉजिट भी बहुत अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि रेकरिंग में अभी आपको 7.30% और NSC में 8% ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, किसी का ब्याज कंपाउंडिंग है, किसी स्कीम का ब्याज ईयरली है, किसी का हाफ ईयरली है, ये सब स्कीम की जो डिटेल्ड वीडियोस हमने बनाई हुई हैं उसमें आप जाकर उनको देख सकते हैं, वहाँ उनको मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नो डाउट PPF इज द बेस्ट स्कीम। अगर आपको गर्ल चाहते हैं तो सुकन्या में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल का अगर आपके पास टाइम है
तो प्रधानमंत्री जय वंदन योजना भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। पीपीएफ और सुकन्या का जो इंटरेस्ट है वो हर तरह से टैक्स फ्री है, आपको एटीसी से रिबेट भी दिलवाता है। प्रधानमंत्री जय वंदन योजना जो है वो आपको 8% से लेकर 8.30% तक का ब्याज दे सकती है। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट आता है कि आप इन्वेस्ट कैसे करना चाहते हैं, इनपुट का मोड क्या रहेगा आपका। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप रेकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं, आप मंथली एनएससी भी परचेज कर सकते हैं, पीपीएफ में भी आप साल में 12 बार जमा करवा सकते हैं, और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी तो फिर भी ऑप्शन हर हाल में खुला है। लेकिन अगर आप वन टाइम एक अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पीपीएफ में ऑप्शन है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एफडी, पीएमवीवीवाई, एमआईएस, एफएमपी, हर तरह की ऑप्शन आपके लिए इसमें भी खुली रही। नंबर तीन जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि रिस्क टेकिंग, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न पिछले 10 सालों में इन सभी सेविंग स्कीम्स के मुकाबले में बेटर रही हैं। किसी अच्छे म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट से मिल सकते हैं और वहां पर अपना सिक लगा सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना दी बेस्ट है, वन टाइम शेयर्स खरीदना थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। नंबर चार, आउटपुट मोड, आपको मंथली इनकम चाहिए अगर दोस्तों, तो मंथली इनकम के लिए आपको पीपीएफ, सुकन्या, एफडी, एनएससी, आरडी, ये सभी आपके लिए ऑप्शंस नहीं है। मंथली इनकम स्कीम जो पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है उसमें आजकल 7.70% ब्याज चल रहा है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना इसके आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है, जिसमें आप अपना चुनाव कर सकते हैं कि आपको ब्याज हर महीने चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए या ईयरली चाहिए। अगर आप ब्याज उसका हर महीने लेते हैं तो आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप उसको क्वार्टरली लेते हैं तो 8.05%, हाफ ईयरली लेने पर 8.13% और ईयरली लेने पर 8.30% आपको इंटरेस्ट इसका मिल जाता है। पांच नंबर पर आता है कि आप ये देखना है कि आपके टैक्स सेविंग प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर आप 30% इनकम टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो आपको हर हाल में वही स्कीम लेनी चाहिए जिसमें आप बहुत सारा टैक्स बचा सकें, यानी कि एटीसी के लिए जो एलिजिबल हो, लास्ट जो एटीसी का लिमिट है उसको वो स्कीम क्वालिफाई करती हो, और पीपीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, सुकन्या में इन्वेस्ट कीजिए, ये सभी आपको एटीसी के रिबेट दिलवाती हैं। अब इनमें टैक्स फ्री इंटरेस्ट तो है ही, साथ ही आपने अगर 1.5 लाख रुपया पीपीएफ में डिपॉजिट करवाया है और आप 30% के स्लैब में आ रहे हैं तो सीधा सीधा 45,000 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर आपको ये फायदा हो रहा है, और साथ ही जो इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इससे बड़ा फायदा किसी स्कीम में आपको कोई मिल ही नहीं सकता। एनएससी में भी आप ये एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन उसका 5वें साल का ब्याज जो है वो टैक्सेबल रहेगा। दोस्तों आरबीआई बॉन्ड्स जो हैं वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आरबीआई बॉन्ड्स के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन हमने इस बहुत ही सेफ बॉन्ड्स के ऊपर एक वीडियो अलग से डाला हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो पीपीएफ करने और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इससे बढ़िया आपके पास कुछ नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप तभी लीजिए जब आप 5% की इनकम टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, अदरवाइज आपके लिए पीपीएफ और सुकन्या स्कीम बेटर रहेगी। दोस्तों आप कोई भी स्कीम लेते हैं, कोई इसकी रिजिड पॉलिसी नहीं है, कोई भी आपको कंसल्टेंट ये नहीं बता सकता कि इस साल की ये स्कीम बेस्ट है। हर स्कीम अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, अपने अपने फंड अरेंजमेंट के हिसाब से, अपने अपने टेन्योर के हिसाब से, अपने अपने टाइम स्पैन और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी या बुरी आपके लिए सिचुएशनल हो सकती है। इटसेल्फ हर स्कीम अच्छी है। एक स्कीम जो हमें नहीं पसंद आती है बिल्कुल भी, वो है केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र। इस पर भी वीडियो हमने अलग से डाला हुआ है कि किसी भी लिहाज से हम नहीं समझते किसान विकास पत्र लेना चाहिए, उससे तो एफडी ही करवा लें, वो बेटर रिटर्न दे रहे हैं। किसान विकास पत्र को हम सजेस्ट नहीं करेंगे, मे बी कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि नहीं वो ठीक है, बट हम सजेस्ट नहीं करेंगे। हम अगर स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं तो वो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम को, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो एससीएसएस को या पीएमवीवीवाई को रिकमेंड करते हैं। एफडी को हम रिकमेंड करते हैं यदि आपको लिक्विडिटी भी चाहिए, एफडी आप करवा दीजिए। एक एफडी ही ऐसा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको फुल लिक्विडिटी मिलती है। ऑलमोस्ट अब सभी बैंक्स बिना किसी पेनल्टी के एफडी को प्री मेच्योर करते हैं, और अगर कुछ बैंक कोई पेनल्टी चार्ज करते भी होंगे तो मैक्सिमम 1% है, लेकिन जिस समय आपको पैसे की ज़रूरत है उस समय वो पेनल्टी कुछ मायने नहीं रखती है। दोस्तों अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में या अपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात जानना चाहते हैं, स्पेशली 2019-20 में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं।
वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखते रहें डिफरेंट मूव्स।